इस सिरप का उपयोग छोटे बच्चों में किया जाता है, जैसे कि सिरप का उपयोग बच्चों में अगर बुखार की समस्या रहती है तो उसमें दिया जाता है, या बच्चों के हाथ में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए या स्किन पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए उसमें किया जाता है, या फिर कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए उसमें किया जाता है, या फिर बच्चे को अगर दस्त की समस्या रहती है तो उसमें सिरप का उपयोग किया जाता है। और बच्चों में क्या दिक्कत, क्या समस्या, क्या परेशानी रहती है, किस प्रकार के रोग में बच्चों में और किस प्रकार की बीमारी में बच्चों में किस प्रकार की बीमारी रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है, या फिर किस प्रकार की समस्याओं में इस सिरप का उपयोग करने के लिए डॉक्टर देते हैं, इस सिरप का डोज क्या होता है, इस सिरप का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ये सिरप कितना ml पिलाना होता है बच्चे को, कितने साल से कितने बच्चे को कितना ml देने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है, इस सिरप का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इसका पूरा डिटेल से जानकारी आज हम आपको हिंदी में देने वाले हैं। जैसे कि अगर बच्चे को बुखार है, बुखार के साथ में अगर बच्चे को दस्त की समस्या है यानी डायरिया की समस्या है, तब इस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये जो सिरप है बच्चों को पिलाने के लिए बताया जाता है। जैसे कि अगर बच्चे को बुखार की समस्या रहता है तब तो डॉक्टर के द्वारा ये सिरप बच्चे को पिलाने के लिए दिया ही जाता है, और जैसे कि अगर बच्चे के कान में किसी प्रकार का फोड़ा फुंसी की समस्या हो गया है, जैसे कि बच्चे के कान में पस आता है या फिर बच्चे के कानों में फोड़ा फुंसी की समस्या हो गया है, तो इस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है, या बच्चे के गले में टॉन्सिलाइटिस या फिर बच्चे के गले में किसी प्रकार का सूजन हो गया या फिर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है, या बच्चे के नाक में किसी प्रकार का फोड़ा फुंसी की समस्या हो गया है तो उसमें भी ये सिरप बच्चे को पिलाने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं बच्चे के स्किन पर यानी बच्चे के त्वचा पर किसी प्रकार से कीड़ा मकौड़ा काट लिया है या फिर किसी भी कारण से बच्चे को चोट लग गया है, चोट लगने की वजह से उसके स्किन पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो छिछुल सा गया है यानी उसके शरीर में चोट लग गया, तो इस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है, ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है, ये सिरप डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है, या फिर बच्चे के स्किन यानी बच्चे के त्वचा पर कीड़ा मकोड़ा के काटने की वजह से वहाँ पर दाना पड़ गया है, वहाँ पर जलन की समस्या होती है, तो इन सारी समस्याओं को ये सिरप ठीक करने का काम करता है, ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है। ये सिरप आपने देखा होगा जब बच्चे को सर्दी खांसी जुखाम बुखार की समस्या हो जाता है और जैसे कि बच्चे को दस्त की समस्या रहता है, उसे बार बार दस्त आता है, तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सिरप बच्चे को पिलाने के लिए बताया जाता है। और जैसे कि बच्चे के आँख में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर बच्चे के आँख में कीड़ा मकोड़ा चला जाता है या फिर बच्चे धूप में खेलते हैं उसकी वजह से या धूल में जाते हैं उसकी वजह से बच्चों के आँखों में लाल हो जाती हैं या फिर बच्चों के आँखों में किसी कीड़ा मकोड़ा धूल चला जाता है उसकी वजह से आँख में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है बच्चे को पिलाने के लिए। या फिर जैसे कि सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा बच्चों में अक्सर करके सर्दी खांसी जुकाम बुखार की समस्या आती है और बच्चों को दस्त की समस्या रहती है, तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए बताया जाता है। जैसे कि छोटे बच्चों में आपने देखा होगा छोटे बच्चे रहते हैं वो चलने की कोशिश करते हैं या फिर चलते चलते गिर पड़ते हैं, गिरने की वजह से उनके हाथ पैर में चोट लग जाता है, वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, तो इस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए बताया जाता है। ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है, ये सिरप इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि अगर बच्चे को बुखार है, बुखार के साथ में अगर बच्चे को दस्त की समस्या रहता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के डोज के बारे में बताते हैं, डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार से इस सिरप का डोज निर्धारित करके पिलाने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जो सिरप का डोज होता है ये बच्चे के एज, उसके बॉडी वेट और उसकी दिक्कत परेशानी को देखते हुए डॉक्टर के द्वारा इस सिरप का डोज निर्धारित करके पिलाने के लिए बच्चों को बताया जाता है। जैसे कि अगर बच्चा 1 साल से लेकर 2.5 साल के बीच में है, तब डॉक्टर के द्वारा 1.5 से 2 ml या 2.5 ml पिलाने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। या फिर बच्चा 3 से 5 साल के बीच में है, तब डॉक्टर के द्वारा 4 से 5 ml दिन में 2 बार ये सिरप पिलाने के लिए बताया जाता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं, इस सिरप का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। जैसे कि इस सिरप का जो साइड इफ़ेक्ट देखा गया है, बच्चे को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन की समस्या हो सकती है और एक प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद की समस्या आ सकती है, बच्चे को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा सुस्ती सा महसूस हो सकता है, इसके सिवा बच्चे को और भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है।